पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनपद बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार के बजट को जनता के लिए बताया काफी उपयोगी। सांसद संतोष गंगवार बोले कि अभी तक बजट को लेकर विपक्षी दलों और किसी अन्य संगठन ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं जताई है। विपक्षी दल राजनीतिक बजट बताकर अफवाह फैला रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि बजट पूरी तरीके से जनता के हित में है। एक लोक कल्याणकारी बजट, और ये वास्तव में लोग ये बताते हैं कि पहली बार बजट प्रस्तुत करने की दिशा को बदलने का काम किया। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, आम आदमी, वंचित, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से पिछड़े, मध्यम वर्ग के लोगों को मजबूत बनाने की दिशा का ये कदम है। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के लिए एक समग्र विकास का बजट प्रस्तुत किया। और पहली बार लोगों ने हमसे कहा कि आज़ादी के बाद इतने वर्षों में रेल की जो चिंता, रेल बजट अलग से आता था उसके बाद नहीं हो पाई, जितनी इस साल हमने रेल बजट का प्रावधान करने का काम किया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समरसता, समानता और समानता के सबको अवसर उपलब्ध करें, इस दिशा का एक सक्रिय बजट लाने का काम किया। ये 75वां देश का बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाला बजट माना जाता है और दुनिया की सबसे तेज गति से देश के विकास को राह दिखाने वाला और भारत को सुप्रीम इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। दुनिया भर के देश आश्चर्य कर रहे हैं कि हमने कैसे ऐसे बजट को बनाने का काम किया। वहीं प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने भी प्रदेश की योगी सरकार के बजट पर विस्तार से बातचीत की और बजट को जनोपयोगी बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट है ये बहुत ही अच्छा बजट है, सभी के लिए बहुत ही फायदे का है। गांव, किसान, गरीब, मजदूर, महिला, सर्विस के और हर एक के लिए फायदे का है। ट्रेडर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अभी जो हमने समिट किया है ग्लोबल इन्वेस्ट समिट, उसके ज़रिए यूपी का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया जा रहा है। आज यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है लगभग वो सभी मौजूद है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर आज बहुत ही अच्छा है और जिसकी सराहना न केवल उत्तर प्रदेश या देश में बल्कि दुनिया में हो रही है। और देश विदेश से लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। यही वजह है जो टारगेट 17 लाख करोड़ का था वो 33.5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं और अभी भी MOU को उपयोग करने को और आगे है। और इससे सबसे बड़ा फायदा जहां हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट आज उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर रहा है, उसका पैसा यहां बढ़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री में जो चीज़ सही होती है वो सभी है। सबसे पहली चीज़ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, उसके सुरक्षा है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पर रोड्स का तो मुकाबला ही नहीं है, हाईवेज मतलब ये तो हाईवेज का ही प्रदेश बन गया है, यहाँ 7 एक्सप्रेस वेज बन गए हैं, हाईवेज बन गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगभग अब हर जगह पे पहले के मुकाबले में कहूँगा अब लगभग 24 घंटे आ रही है रोड्स। और साथ ही साथ हवाई अड्डे, बरेली के अंदर भी हवाई अड्डा है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज 9 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं, कई और बन रहे हैं जो कि शीघ्र शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 6 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हो जाएंगे क्योंकि 3 हैं, 3 और बन रहे हैं, 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। रेल के मामले में भी मैं कहूँगा हमारे फ्रेट कॉरिडोर जो यूपी में बन रहा है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ताकि लोगों को माल ढुलाई, माल तैयार करो फौरन दूसरी जगह भेजो, माल ढुलाई करो फौरन पहुँचे, और इससे जो है माल जल्दी पहुँचेगा। गुजरात के बंदरगाह भेजना हो या महाराष्ट्र भेजना हो, आपका माल बहुत जल्दी जाएगा क्योंकि उस लाइन पे सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, वो भी काफ़ी स्पीड से चलेगी, तो माल आपका जल्दी पहुँचेगा। तो मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों की संख्या ज़्यादा है,
यहाँ की जो पॉपुलेशन है 18 से 50 साल 40% की आबादी है, तो लोगों को काम करने के लिए जो हाथ ज़्यादा हैं या काम करने के लिए उनको और होशियार बनाना है। ऐसे सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी और देश के जन जन और अन्य क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देते हैं और माननीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत करा वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं।